कैसे हो विद्यार्थियों। मैं धीरज अवस्थी आज आपके पास फिर कक्षा 11 और 12 के लिए कृषि का टॉपिक पहले लेसन से लेकर आया हूँ। कृषि, कृषि क्या है आइए हम जानते हैं। कृषि क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मीन्स होता है सॉयल और लैंड, जबकि कल्चरा का मीन्स होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन इस प्रकार हम कह सकते हैं मनुष्य अपनी प्रारंभिक आवश्यकताओं भोजन कपड़ा और मकान के लिए जो इष्टतम कार्य करता है वो कृषि है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहली शाखा इसे पौध विज्ञान कहते हैं, प्लांट साइंस, और दूसरी शाखा है जिसे हम एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस कहते हैं। प्लांट साइंस में हम निम्न विज्ञानों का अध्ययन करते हैं, जैसे पहली जिसके बारे में आप लोग जानेंगे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी एक ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, एग्रोस प्लस नोमोज। एग्रोज का मीन्स होता है सोयल और नोमोज का मीन्स होता है मैनेजमेंट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोयल पर जो मैनेजमेंट किया जाता है, भूमि पर जो क्रियाएं की जाती हैं, वो एग्रोनॉमी होता है। दूसरी विज्ञान है जिसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एक ये भी एक लैटिन वर्ड है। लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टज प्लस कल्चर। हॉर्टज का मीन्स होता है गार्डन, कल्चर का मीन्स होता है कल्टीवेशन। इस प्रकार गार्डन के लिए कल्टीवेशन करना अर्थात उद्यान के लिए कल्टीवेशन करना ही हॉर्टिकल्चर होता है। हॉर्टिकल्चर को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पोमोलॉजी। पोमोलॉजी ये लैटिन एवं ग्रीक दोनों भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन प्लस ग्रीक दोनों से मिलकर बना है। लैटिन वर्ड होता है पोमोज प्लस लॉजी ग्रीक वर्ड है। पोमो का मीन्स होता है फ्रूट और लॉजी का मीन्स होता है टू स्टडी और ग्रोविंग, यानी के को उगाना अथवा के बारे में जानना या फिर कल्टीवेशन करना, ग्रोविंग। दूसरी शाखा है जिसको हम लोग बोलते हैं ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर जो एक लैटिन वर्ड है
ओलरीज, ओलरीज का मीन्स होता है पॉट और हर्ब। कल्चर का मीन्स होता है कल्टीवेशन। ओलरीज के बारे में, सब्जियों के बारे में अध्ययन करना ओलरी कल्चर होता है। तीसरी ब्रांच है इसकी, इसको बोलते हैं फ्लोरी कल्चर। जो कि ये भी एक लैटिन वर्ड है, फ्लोरीस से बना है, जिसका मीन्स होता है फ्लावर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो कृषि है इसकी बहुत सारी ब्रांचें हैं, जिनसे कुछ न कुछ स्पेशल पॉइंट मिलते हैं। जैसे पोमोलॉजी में फल का अध्ययन करते हैं, ओलरी कल्चर में हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं, फ्लोरी कल्चर में हम फलों का अध्ययन करते हैं। आपको यह याद रखना है किस भाषा से लिए गए, कैसे लिए गए हैं। अब हम लोग सबसे पहले कक्षा 11 और 12 में पढ़ेंगे एग्रोनॉमी। इसके बारे में हम पहले टॉपिक के बारे में जानेंगे, एग्रोनॉमी क्या है, कैसे इसका विकास हुआ, क्या स्कोप है, इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।